हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा गुजरात यूनिवर्सिटी का बीबीए सेम वन का कोर्स, बिकॉज इस साल जो है वो न्यू कोर्स आया है, यानी कि लास्ट ईयर के मुकाबले कोर्सेज में काफी सारे बदलाव देखने को मिले हैं। और इस बार का जो कोर्स है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से आया है। तो पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा और इसमें आपको ये बताऊंगा कि कितने सब्जेक्ट्स है और कैसे आपको प्रिपेरेशन करनी रहेगी और इन सबके इंडेक्सेस क्या है। तो सबसे पहले बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जहां पे सम्स आपको देखने को मिलेंगे। और आप लोग देख सकते हो कि यहां पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से वाली बुक मार्केट में आ चुकी है और आपको खरीदनी है बीएस शाह प्रकाशन की बुक। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट है, उसके अंदर आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा। फिर आपको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक खरीदनी है बीएस शाह की ही, और इसमें भी आपको एनईपी 2020 के हिसाब से है, मतलब कि इसके क्या क्या इंडेक्स है वो अभी मैं बताता हूं, बट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें आप लोग पढ़ोगे। फिर बात करें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है सब्जेक्ट जो आपको खरीदना है बीएस शाह प्रकाशन की, मतलब तीनों बुक बीएस शाह प्रकाशन की लेना, जिसमें से ये वाली बुक में आपको सम्स देखने को मिलेंगे और ये दोनों बुक्स में आपको थियरी देखने को मिलेगी। एक और चीज, अगर आप लोग इन सबका मटेरियल चाहते हो तो आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करना जिसका नाम है यूजीटी, वहां पे आपको स्टडी मटेरियल जो है वो मिल जाएगा इन तीनों बुक्स के रिलेटेड। नेक्स्ट बात करें तो और दो सब्जेक्ट भी है, एक आपको पढ़ने को आएगा व्यावहारिक हिंदी और एक आपको देखने को मिलेगा राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी हम इसको इंग्लिश कहेंगे और इसको हिंदी कहेंगे, ये भी पूरे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है। तो टोटल 5 बुक्स जो है वो मार्केट में आ चुकी है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली जो बुक है ना वो FY बीकॉम एंड बीबीए दोनों के लिए सेम रहने वाली है। सेम ये वाली बुक भी बीकॉम और बीबीए की सेम बुक्स रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ लिस्ट, बट उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा जो बीबीए सेम वन का कोर्स है, बैच है, वो शुरू हो गया है, जिसकी जो प्राइस है वो है 2499, जहां पे हम आपको 3 सब्जेक्ट करवाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंट, बिजनेस मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और आपको एक और बात बता दूं कि यहां पे हमारे बेस्ट फैकल्टीज पढ़ाएंगे सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग फैकल्टी और वो अपने फील्ड के बेस्ट फैकल्टीज है, और इसके लाइव क्लास भी होंगे और आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको पता है हमारी ऐप के अंदर आपको ये पूरा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आपकी पढ़ाई और आसान हो जाएगी। फिर बात करें कौन से सब्जेक्ट्स है पूरे आपके बीबीए के अंदर, तो FY बीबीए में अभी तक मेरे को ये 7 सब्जेक्ट पता चले हैं, जिसमें आपका एक आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हम लोग आपको ये पूरा अच्छे से करवा देंगे सिर्फ 2499 में। फिर आएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर आएगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर आएगा बेसिक आईटी टूल्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, व्यावहारिक हिंदी और IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब बीबीए में पता है कैसा होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो साइंस फील्ड में से कॉमर्स में आए तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, साइंस फील्ड से बीबीए में आए, तो उन सबके लिए एज वेल एज गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हो या तो फिर आप सीबीएसई से गुजरात बोर्ड से बीबीए में एडमिशन लिया है, कोई भी बच्चा हो, हम लोग आपका बीबीए का सेम वन का कोर्स बहुत बढ़िया तरीके से करवा देंगे, जहां पे फाइनेंशियल अकाउंट होगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट में आपको हम मास्टर बना देंगे। ठीक है, तो आप लोग के टोटल 7 सब्जेक्ट है, और अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत आती है, आप हमारी बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं बताता हूं आपको इसके इंडेक्सेस, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो उसके अंदर ये सारे यूनिट्स है, यूनिट 1 में काफी सारी चीजें है, ये सारी थियरी है, यूनिट 2 में आएगा आपका अकाउंट ऑफ NTC यानी कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, यूनिट 3 में आएगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, और यूनिट 4 में आएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग। ठीक है, ये सारा चीज हमने लाइव लेक्चर में स्टार्ट कर दिया है और ये बैच जो है वो कल से स्टार्ट होने वाली है, तो अभी के अभी आप लोग ज्वाइन हो जाओ। फिर बात करें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, आपका होगा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, यूनिट 2 थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यूनिट 3 प्राइस डिटरमिनेशन, यूनिट 4 मार्केट एनालिसिस। नेक्स्ट बात करें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें भी 4 यूनिट है, जिसमें आपको एक आएगा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट थियरी, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजरियल रोल्स, फिर आएगा यूनिट 2 में प्लानिंग, प्लानिंग प्रीमाइसिस, टाइप्स ऑफ प्लान, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, यूनिट 3 ऑर्गेनाइजिंग, फिर आएगा आपका डिपार्टमेंटेशन, फिर आएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये सारा मटेरियल हमने हमारी ऐप पे डाल दिया है। नेक्स्ट बात करें व्यावहारिक हिंदी, तो व्यावहारिक हिंदी में आपको ये 2 यूनिट देखने को मिलेंगे, एक हिंदी की कहानियां और एक निबंधों की सूची।
ठीक है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसका नाम है राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल, और इसमें भी दो यूनिट है। यूनिट वन जो है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ राइटिंग, यूनिट टू का नाम है एसेंशियल ऑफ प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से मैंने आपको सारे जो बुक्स आई है मार्केट में उस पूरे बुक्स का ओवरव्यू दे दिया, और आपको मैंने पूरा कोर्स भी बता दिया। और इसके रिलेटेड कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप हमारी ऐप में जाके ऐप डाउनलोड करके ऐप में भी क्वेरी पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।